हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेगा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, इस कंपनी की अगर हमें यहाँ पे हम लोग बातें करें तो आज भी आप देख सकते हैं कि 4% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है। एंड जब से ये कंपनी हम लोगों को मार्केट में देखने को मिल रही है, तब से हम लोग बोल सकते हैं कि ये लगातार इसमें गिरावट में ही देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि ये कंपनी 13 तारीख से ही मार्केट में है एंड तब से अभी तक देख सकते हैं कि इस कंपनी में ओवरऑल अगर देखा जाए तो 20% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर हाई से देखेंगे तो करीब 25% के आसपास यहाँ इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। आप एक बार कंफर्म भी कर सकते हैं, देखिए 13 दिसंबर ही इसकी लिस्टिंग डेट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बातें करें तो बहुत सारे लोग यहाँ पे परेशान हैं कि इस कंपनी में हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए। देखिए, जिनको अलॉटमेंट हुआ है उनकी तो बात अलग है, क्योंकि वो लोग अभी भी यहाँ पर प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, ठीक है। देन दोस्तों, जिन लोगों ने यहाँ पर फ्रेश बाय किया था उनके लिए कुछ डाउट है, तो उनको मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, जो कि वो डाउट क्लियर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस किया जाए, कंपनी कैसी देखने को मिल रही है। बिना उसको जाने अगर आप लोग इस कंपनी में केवल ये समझ कर एंट्री मारे हैं कि चलो इसमें अभी लिस्टेड हुई है भागेगी तो एंटर मार लेते हैं एंड रिटर्न बनेगा वहाँ से निकल लेंगे, तो ऐसे लोग ज़्यादा यहाँ पर परेशान होंगे। जो भी लॉन्ग टर्म वाले होंगे दोस्तों, उनको ज़्यादा यहाँ पर टेंशन नहीं होगा, ये तो मेरा मानना है। बाकी उनको क्या होगा वो तो खुद वो जानते होंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स जो अवेलेबल है, क्योंकि अभी कंपनी आप ही आपने देखा 13 तारीख को ही लिस्ट हुई है, तो ज्यादा अवेलेबल यहां पे नहीं है, जो है उसी में हम लोग यहां पे चीजों को देखने वाले हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है उसने अपना जो कर्जा है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया है। उसी के साथ साथ लास्ट 5 साल का जो CAGR है दोस्तों, वो भी आप देख सकते हैं कि 87.27% यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। देन वहीं पर इसका जो माइनस मार्किंग है वो आप देख सकते हैं कि कंपनी यहाँ पे आपको देख रहे हैं परफॉर्मेंस इसका अच्छा है, लेकिन यहाँ पे डिविडेंड यहाँ पे नहीं किया, तो उसके लिए हम लोग डिविडेंड के लिए तो यहाँ पे नहीं आए, हम लोग रिटर्न्स के लिए आए हैं। डिविडेंड ना दे चलेगा, वहीं पे अगर 100-200% का रिटर्न्स दे दे तो वो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो डिविडेंड के पीछे ज़्यादा भागते नहीं हैं हम लोग। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा सी पुअर देखने को यहाँ पर मिल रही है लास्ट 5 ईयर्स की यहाँ पर अगर हम लोग बातें करें, चलिए ठीक है। देन यहाँ पर अगर देखिए आप जिस सेक्टर में ये कंपनी आती है, वो अभी आप देख सकते हैं कि मिसलिनियस सेक्टर्स ये है, जिसमें अगर हम लोग कंपनी देखें तो 8वें नंबर पे ये हम लोगों को आती हुई देखने को मिल जा रही है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पे PV फिनटेक है, ठीक है। इसमें FL का भी नाम हम लोगों को देखने को मिल रहा है, कैम्प्स सर्विसेज का भी नाम देखने को मिला, तो अच्छे अच्छे दिग्गज कंपनियां भी यहाँ पे हम लोगों को इसमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है, 8वें नंबर पर यह कंपनी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड अभी देखिए यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा थोड़ा अधिक अवेलेबल था, तो इसी वजह से यहाँ पे आप देखिए 2015 से चीजें हम लोगों को देखने को मिलेंगी, 16, 17, 18, मतलब ईयरली बेसिस पे आप देखिए यहाँ पे चीजें हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो सीधा यहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट के ऊपर आएंगे, तो 2015 में अगर यहाँ पे हम लोग देखें, ठीक है, हाँ 2015 में आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट लॉस में कंपनी चल रही थी करीब 14, ठीक है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16 में वो जो घाटा है वो घट करके 10 हो गया, 17 में वो माइनस में जो घाटा है वो और कम कर होकर के 2 हो गया। देन यहाँ पे 18 में देखिए फाइनली कंपनी यहाँ पे 17 से इसने 14 गुना अधिक अच्छा परफॉर्मेंस किया एंड कंपनी प्रॉफिट में 28 हम लोगों को इसमें देखने को मिल रहा है। देन 19 में आप देख सकते हैं कि 33 है, मतलब यहाँ से भी हम लोगों को जंप है। देन आप ये भी देख सकते हैं कि इसके आगे भी 19 से 20 में भी जो जंप है वो प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि 2 गुना हम लोगों को हुआ है। देन 21 में भी आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वो यहाँ से भी 2 गुना होते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब लास्ट 3 साल से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार 2 गुना होते हुए हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड लास्ट 7 साल से अगर हम लोग कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो वो भी हम लोगों को यहाँ पर अच्छा ही देखने को मिल जा रहा है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोस्तों, कंपनी जो हमारी पहले लॉस मेकिंग थी वो अभी प्रॉफिट मेकिंग यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है, मतलब कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रोइंग मोड में यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग भी हम लोगों को देखने को मिल रही है। सो इस तरह की कंपनी जो ग्रोइंग मोड में हमेशा चल रही हो, ठीक है, उसमें डरने की कोई भी बात नहीं। देखिए सिचुएशन कभी कभी खराब होते हैं तो कंपनियाँ गिरती हैं, तो ये तो अभी हाल ही में लिस्टेड मतलब कंपनी देखने को मिल रही है। सो इसमें अगर 20-25-30% की भी गिरावट हो जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी देखा जाए तो हमारी जो कंपनी है
वो अगर हम लोग इसके हाई से बातें करें तो करीब 25% के आसपास यहाँ पे इसमें गिरावट देखने को मिले। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे परेशान है एंड डेली बेसिस पे मैं इससे रिलेटेड कुछ अपडेट आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे देता रहता हूँ कि कंपनी अच्छी है, बने रही है, इसलिए अपडेट यहाँ पे देता हूँ। कहीं आप लोग यहाँ पे पैनिक होकर के कंपनी को लॉस में यहाँ पे ना बेच दें, क्योंकि घाटा होगा आपका, बाद में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी जब कंपनी भागेगी तो आप लोग वहाँ पे सोचेंगे, पछताएंगे कि कंपनी को हमने क्यों सेल कर दिया। ठीक है, देखिए सिचुएशन को झेलना आना चाहिए दोस्तों, ये एक सबसे बड़ी बात होती है शेयर मार्केट में। ठीक है, कंडीशन अभी हम लोगों को विरुद्ध में चल रहा है, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है, मैं फिर से यहाँ पे बोलना चाहूँगा। उसी के साथ साथ एक और अच्छी बात यहाँ पे अभी हम लोगों को देखने को मिल रही है कि ये कंपनी जो है वो 600 के नीचे यहाँ पे जाते हुए हम लोगों को ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। मतलब इसका जो लेवल है वो 600 हम लोग यहाँ पे पकड़ के चल सकते हैं कि इसका रेसिस्टेंट लेवल हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि कंपनी उसके नीचे यहाँ पे नहीं जा रही है। लेकिन इन कंडीशन अगर आप मान लीजिए कि ये कंपनी नीचे जाती है तो कितना नीचे जाएगी, देखिए अगर इसने 600 का जो लेवल है उसके नीचे अगर यहाँ पे गई, 580 तक अगर यहाँ पे गई, तो समझ लीजिएगा कंपनी में थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आप लोग तैयार रहिएगा। मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे अब अगर ये 600 के लेवल को से नीचे जाती है, ठीक है, 600 के लेवल से अगर नीचे जाती है तो अभी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट सही नहीं रहा, ठीक है, कंडीशन अपने विरुद्ध में रही, ठीक है, तो ये कंपनी 500, अभी मैंने 580 का टारगेट यहाँ पे हमेशा लेकर के चलता था, लेकिन अभी यहाँ पे मैं 10 अंक और यहाँ पे गिरा दे रहा हूँ, 570 अभी मेरा यहाँ पे टारगेट रहेगा। याद रहे कि कंडीशन यहाँ पे रहेगा अब अवेलेबल, ठीक है, मतलब 600 के नीचे ये जानी चाहिए एंड मार्केट हमारे फेवर में ना हो। ठीक है, देन वहीं पे अगर इसमें रैली आई तो दोस्तों एक बड़ी रैली यहाँ पे ये कंपनी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। जी हाँ, अगर इसमें रैली देखने को मिलेगी तो ये करीब 670 के आसपास जंप करते हुए भी हम लोगों को देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए भी तैयार रहें। देखिए उम्मीद ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं अगर वो थोड़ा सा थमे तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे मार्केट के लिए एक अच्छा बात रहेगा एंड हमारे कंपनी के लिए भी एक अच्छा बात रहेगा एंड इन्वेस्टर के लिए भी एक अच्छी बात यहाँ पे रहने वाली है, ताकि इसमें जो जंप होगा तो उन लोग का जो डर होगा, जो वो पैनिक हुए होंगे, वो यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों आपने इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखा, उसके बेसिस पे मैं फिर से यहाँ पे कह सकता हूँ कि अगर आप चाहें तो इस कंपनी को होल्ड करके चल सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि पैसा आपका है दोस्तों, मर्जी भी आपकी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।